ये पार्ट में जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखेंगे। आप लोग पढ़ के थे स्कूल्स में साइन थीटा, कुछ कुछ वैल्यूज लेना है अपने को, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज ना, इसके वैल्यूज याद करना है। वैसे तो याद करना ही है, इसको कैसे भी करके याद कर लेना क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं, फिर भी एक तरीका बताऊँ मैं साइन थीटा के वैल्यूज याद करने का। देखो तीन स्टेप होते हैं, पहला स्टेप क्या है, 0 1 2 3 4 लिख दो खत्म, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम यहाँ करो पूरों को 4 से डिवाइड कर लो, पूरों को 4 से डिवाइड कर लो, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, पूरों को रूट लगा लो, एक मेथड है और कुछ भी नहीं, लॉजिक याद करने का। अब ये क्या होगा, 0 बाय एनी नंबर 0, रूट 0 है आता 0, तो ये वैल्यू 0 होगी, बोले सा इसकी वैल्यू 0। देखो रूट 1 क्या होता, 1 ही होता, रूट 1 क्या होता 1, रूट 4 होता 2, तो ये हो गया बोले सा 1 बाई 2। अब 2 1 2 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
मान मिलते ग्रुप ऐसे डालो, यहाँ पे बोलो रूट थ्री ऐसी डालो, रूट थ्री एलिनी वन, लेकिन रूट फोर क्या होता है टू, फोर वन सा फोर वन सा रूट वन होता वन, तो ये वैल्यूज आ गए साइन जीरो साइन थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी। तो याद करने का तरीका क्या है, पहला स्टेप जीरो वन टू थ्री फोर, दूसरा स्टेप डिवाइडिंग बाई फोर डिवाइडिंग बाई फोर, नेक्स्ट स्टेप रूट लगा लो, तो रूट ऑफ जीरो, रूट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी डिग्रीज की वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज वन बाई रूट टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज वन बाई टू, साइन सिक्सटी डिग्रीज रूट थ्री बाई टू। तो ये एक तरीका है याद करने का, इसको बनाने का, इनके अगर भूल गए, लेकिन याद तो करना ही है क्योंकि ये बार बार यूज़ होते हैं, इसका कोई चारा नहीं है, पर सीधा याद करना पड़ेगा, और जो इंटर एम पी सी लिंग है वो लोग को तो मस्ट है याद रखना है, इसलिए सीधा इसको याद कर लीजिए। तो ये वैल्यूज हो गए हमारे साइन थीटा के। अब कॉस थीटा को याद करने का एक तरीका है, था कॉस थीटा क्या करना, हम उल्टा जाना, यहाँ से आना, ये वन पहले एक डालो, फिर इसके बाद ये एक डालो, फिर इसके बाद वन बाई रूट टू, इसके बाद वन बाई टू, फिर उसके बाद जीरो, या तो कॉस थीटा लिखने की वैल्यू रिवर्स जाओ, इस पर से वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू जीरो, तो वन पहले लिखे, फिर रूट थ्री बाई टू वन में लिखे, फिर वन बाई रूट टू, वन बाई टू जीरो, ये हो गया कॉस। अब तीसरा बनाएंगे हम टैन थीटा, टैन याद रखना साइन बाई कॉस बनते हैं, साइन बाई कॉस, आप डिवाइड करो जीरो बाई वन जीरो है तब, तो टैन जीरो जीरो, जीरो बाई वन जीरो, अगर ये दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो टू टू कैंसिल होता, क्या बचेगा वन बाई रूट थ्री बचेगा, क्या बचेगा वन बाई रूट थ्री, अगर ये दोनों को डिवाइड करेंगे आप रूट टू कैंसिल होता, रूट टू कैंसिल हो गया वन बाई वन वन, ये दोनों जब डिवाइड होंगे टू टू कैंसिल रूट थ्री बाई वन रूट थ्री होता, और क्या रखें यहाँ पे क्या वन बाई जीरो, जीरो से डिवाइड कर दो डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड, वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, उसको इन्फिनिटी डालो, तो ये हो गया टैन टैन थीटा। अब बाकी ये तीन बनाना आसान है, कोसेक शॉर्ट में सी एस सी डाल देंगे कोसेक थीटा। अब कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल, तो अब साइन को रेसिप्रोकल करते जाएंगे हम, साइन को रेसिप्रोकल, बोलिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले साइन सपोज यहाँ पे देखो वन बाई टू है, इसका रेसिप्रोकल होता है टू बाई वन, टू बाई वन नीचे वन लिखने से होता है वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल होता है रूट टू बाई वन, नीचे वन लिखना जरूरी नहीं, रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल होता है टू बाई रूट थ्री, रेसिप्रोकल वन बाई वन का उल्टा वन बाई वन वन होता है, और जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आ गया, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, हमेशा याद रखना इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, तो कोसेक क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल, वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा, वन का रेसिप्रोकल वन होता है, रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू बाई वन यानी रूट टू, वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाई वन यानी टू, जीरो का रेसिप्रोकल क्या बताया अपन इन्फिनिटी, ये हो गया नेक्स्ट। अब लास्ट में क्या बचा कोसेक थीटा कॉट थीटा, अब कॉट थीटा में जाना है अपने को, कॉट थीटा करेंगे, अब कॉट थीटा का मेथड देखिए आप लोग, कहाँ से जाना है अपने को टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी वन बाई रूट थ्री यानी रूट थ्री बाई वन से निकाज हो जाएगा, वन का रेसिप्रोकल वन से होता है, ये रूट थ्री बाई वन बोले सर, ये रूट थ्री बाई वन बोले सर, इसका रेसिप्रोकल वन बाई रूट थ्री, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो। तो हम क्या करना पहले साइन को अच्छा याद रख लो, साइन की वैल्यू जब अच्छा याद रख लेंगे तो कॉस को क्या करेंगे उसका उल्टा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, रिवर्स देंगे उसको, वैसे टैन साइन बाई कॉस कम अज़ कम ये तीन याद कर लिए तो कोसेक सेक कॉट क्या कर सकते हैं, जब उसको रिवर्स करके रेसिप्रोकल लिख कर ले सकते।
अब इस पे अपने को क्वेश्चंस करना है। अभी जो वैल्यूज लिखे हम उस एतबार से फोर क्वेश्चंस दिखाना है, ये वैल्यूज के क्वेश्चंस करना है अपने को। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड क्वेश्चन कराएंगे भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस 45 प्लस सीकेंट 30 प्लस सॉरी कॉस 45 डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 प्लस कोसेक 30। इसके सीधा सीधा वैल्यू सबसे कर लेंगे हम। कॉस 45 डिग्रीज की वैल्यू है 1/√2, सीकेंट यानी कॉस का उल्टा √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3, प्लस वैसे ये भी वही होगा ना, क्या है कोसेक 30 डिग्रीज। कोसेक 30 डिग्रीज किसका उल्टा हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री सॉरी साइन 60 डिग्री √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल्स टू 1/√2 डिवाइड बाई, ये सेम है ना, ऐड कर सकते हैं सर, 2 + 2 = 4 होता तो 2/√3 प्लस 2/√3 ये हो जाएगा 4/√3। इसको कैसा करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर ला लो, जब 4/√3 ऊपर लाया तो उल्टा हो जाएगा, 4/√3 ऊपर लाया तो क्या होगा बोलो √3/4 है ना। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको √3 × 1 √3 डालो, नीचे लिख डालो 4√2। एक बार रिवाइज कर लो, क्या करें हम, कॉस 45 डिग्रीज इज 1/√2, सीकेंट 30 डिग्रीज 2/√3, कोसेक 60 डिग्रीज 2/√3, सेम है ना, ऐड कर लो, जैसा 2x + 2x 4x होता तो 2/√3 + 2/√3 हो गया 4/√3। 4/√3 को जब ऊपर ले गएंगे तो उल्टा हो जाएगा √3/4, कुछ भी कैंसिलेशन हो ही नहीं हो सकते, तो वैसे एक डालो बस √3/4 है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। वैसे अब ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करें, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है लिख लेंगे हम पहले, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो हमारे पास, ये है थर्ड क्वेश्चन, साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई कॉट 45 प्लस कॉस 60 माइनस सीकेंट 30 डिग्रीज। सीधा सीधा क्या करना, हम वैल्यूज याद करना, ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। अब वैल्यूज याद कर लेना, अब वैल्यूज याद कर ले, क्वेश्चंस मत करिए, एक बार वैल्यूज याद रख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग करना आसान होता है। अब बोलिए भाई साइन थर्टी डिग्री है हमारे पास 1/2, प्लस टैन 45 1 है, माइनस कोसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3, डिवाइड बाई कॉट 45 डिग्रीज 1 प्लस कॉस 60 डिग्रीज क्या होगा 1/2, माइनस सीकेंट 30 यानी कॉस 30 का उल्टा 2/√3 इक्वल्स टू। एक काम करो, सिर्फ ये दोनों का एलसीएम ले लो, अगर ये आप ये दोनों का एलसीएम ले तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3। वैसे यहाँ पे भी एलसीएम ये दोनों का ले लो, मैं सिर्फ 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3/2 माइनस 2/√3 कैंसिल कर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, देखो जैसा x/x है ये सीधा कैंसिल हुआ था 1 हुआ था, तो वैसे आप और करो डिनोमिनेटर न्यूमेटर सेम है 3/2 − 2/√3 / 3/2 − 2, ये कैंसिल हो जाएंगे सेम है 1 बचा तो इक्वल्स टू 1। तो ये चार क्वेश्चंस में से जो है दो क्वेश्चंस मैं कराया, दो क्वेश्चंस जो है आप लोग ट्राई कर लीजिए बोर्ड पे। देखिए अब दो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 degrees by 1 + tan²30 degrees। सीधा सीधा वैल्यू सबसे कर लो, 2 × tan 30 degrees की वैल्यू याद कर लीजिए 1/√3 डिवाइड बाई 1 + tan 30 होता 1/√3 स्क्वायर ने से स्क्वायर लगाना। इसको ऐसा करो 2 × 1 = 2 ये हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या होगा 1 + इसको स्क्वायर करो 1² 1 ही होता, ये क्या होगा बोलो रूट स्क्वायर कैंसिल होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 3 बचता, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 3 बचता। 2/√3 एज इट इज सीख डालो, नीचे पहले एलसीएम ले लो 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4 लिख डालो सीधा 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4/3। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे हम, इसको नीचे ला लें, नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर ला लो तो 4/3 अगर ऊपर ला लिए तो क्या होगा 3/4, तो यहाँ पे लिख लो मैं इक्वल्स टू 2/√3 इंटू, अब ये 4/3 ऊपर ले गए तो 3/4, 3/4, 2 × 1 = 2, 2 क्या बचा बोलो 1 × 3 = 3, पहले 2 लिख डालो ना 2√3। इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कैसा बोले तो 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, याद रखना 3 कैसा लिख सकते हैं, जैसा 5 है अगर रूट में चेंज करना है तो √5 × √5 लिख सकते हैं, 7 है रूट में चेंज करना है तो √7 × √7, क्यों कर रहे हैं
नीचे भी रूट थ्री है ना, कैंसिल होता है कर। क्यों चेंज करें इसको? इसलिए चेंज करें, अब ये रूट थ्री कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा बोलो, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। तो ये हो गया हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे और एक क्वेश्चन है ना हमारे पास, एवेल्युएट, एवेल्युएट क्या दिया हूँ क्वेश्चन ऊपर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर एवेल्युएट। तो बस ये सॉल्व करना है, साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी साइन थर्टी, इसकी वैल्यू मान को बड़ा मान कर लेंगे, साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी साइन थर्टी, सीधा सीधा वैल्यू सबसे क्या लोग, साइन सिक्सटी होता रूट थ्री बाई टू, कॉस थर्टी भी होता रूट थ्री बाई टू, साइन कॉस सिक्सटी वन बाई टू, साइन सिक्सटी वन बाई टू, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हो। अच्छा भैया रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, डिवाइड बाई टू टू ज़ा फोर प्लस वन वन ज़ा वन बाई टू टू ज़ा फोर, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आएगा फोर, न्यूमरेटर सीधा ऐड कर लो, सीधा आसान है ना, ऐड कर लो तो थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन क्या होता है फोर बाई फोर, फोर वन ज़ा फोर वन ज़ा फोर वन आ गया, तो दे फोर साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी साइन थर्टी इक्वल्स टू वन, इसको इक्वेशन वन नोट कर लो, आगे जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट क्या है देखो अपने पास, अब नेक्स्ट वैल्यू पूछ रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन लिखे हुआ है मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, क्या लिखे हुआ है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सिक्सटी प्लस थर्टी, साइन सिक्सटी प्लस थर्टी, यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हूँ साइन सिक्सटी प्लस थर्टी, इसको मालूम कर लेंगे इक्वल्स टू, एक काम को ऐड कर लो सीधा, सिक्सटी प्लस थर्टी क्या होता है नाइन्टी डिग्रीज, अच्छा साइन नाइन्टी क्या आ गया वन, इसको टू नोट कर लो। तो देखो और सब, इसकी वैल्यू भी वन आई, इसकी वैल्यू भी वन आई, उस उसमें आगे क्वेश्चन पूछा व्हाट कैन यू कंक्लूड, अब ये दोनों आंसर से क्या कंक्लूड होगा, क्या जो है रिजल्ट निकला इसका देखना है, तो दोनों इक्वल है देयरफॉर दोनों को इक्वल कर लो, साइन सिक्सटी प्लस थर्टी इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस थर्टी कॉस सिक्सटी साइन थर्टी, ऐसा कर लो, अच्छा था फ्रॉम वन नाइन फ्रॉम वन नाइन टू, ये दो इक्वल हो गए, साइन सिक्सटी प्लस थर्टी इक्वल्स टू साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वन है, इसकी वैल्यू भी वन है, उस हिसाब से ये दो इक्वल आ गए। अब इसमें से कैसा कैलकुलेट करेंगे हम, इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे हो तो बहुत आसान है, पुट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे थोड़ी देर के, सिक्सटी डिग्रीज को ए ले लो, सिक्सटी डिग्रीज को ए ले लो, थर्टी डिग्रीज को बी ले लो, तो जहां पे भी इसमें 60 है वहां पे a डालो और जहां पे भी 30 है p डालो, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, इसको क्या लेना बोले a प्लस 30 डिग्री क्या लेंगे हम b इक्वल्स टू 60 डिग्री के पे a 30 डिग्री के b, अब बोलो क्या आएगा sin 60 डिग्री से यानी a cos 30 डिग्री से यानी b प्लस cos 60 डिग्री से यानी a sin 30 डिग्री से यानी b, तो ये इंटर में यूज होते हैं आपको फॉर्मूलेस, तो ये फॉर्मूला बनेगा sin ऑफ a + b = sin a cos b प्लस कॉस ए साइन, क्यों ए के लिए पे 60 डिग्री है, बी के पे 30 डिग्री के लिए, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को कंटिन्यू करना है अपने को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट पढ़ के समझिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू हो रहा, तो ऐसा ले लो ना भाई, ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल एट क्यू हो रहा, तो क्यू यहाँ पे लेंगे अपन, तो पी क्यू आर, तो ऐसा ले लेंगे पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू हो गया पहली चीज है ना, उसके बाद क्या दे रहा हूँ, राइट एंगल एट क्यू पी क्यू इक्वल्स टू, पी क्यू इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर्स, तो ये दे रहा सिक्स, पी क्यू इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर्स, और एक चीज दे रहा है एंगल आर पी क्यू, यानी पी के एंगल बस आर पी क्यू यानी पी, तो एंगल पी दे रहा ऑन 60 डिग्रीज, एंगल पी दे रहा 60 डिग्रीज, उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड डिटरमाइन द लेंथ क्यू आर, क्यू आर यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा, पी आर यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा, चलो पहले ये मालूम कर लेंगे, इसमें देखना दो साइड्स को कोसा फॉर्मूला होता है, सपोज पहले ये मालूम करेंगे, इसके लिए आप और सो ये एंगल के लिहाज से ये ऑपोजिट हो जाता और ये एडजस्टेंट हो जाता, तो अपन सोचना ऑपोजिट और एडजस्टेंट मिला के कोसा फॉर्मूला है, तो ऑपोजिट और एडजस्टेंट मिला के टैन थीटा यूज होता, ऑपोजिट और एडजस्टेंट मिला के क्या होता है टैन थीटा या तो कॉट थीटा है ना, सॉल्यूशन में बाकी डालेंगे ना भाई, गिवन पी क्यू इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर्स, एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस, अब ये ट्राइंगल फ्रॉम
ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले टैन यूज कर लेंगे, टैन 60 डिग्री. क्यों यूज कर रहे हैं ये ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये मालूम है, ये मालूम करना है, तो दो यूज कर लिए हम, तो कैसा भी आया था. ये ऑपोजिट क्या अपने पास क्यू आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है इसके आगे सीधा 60 डालोगे तो टैन थीटा होता ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. टैन क्यों यूज कर रहे हैं ये मालूम करना है, ये मालूम है, तो दो में से एक अननोन है था, एक नोन ले लेना, ये मालूम नहीं है ये मालूम है, तो ये दो मिलाए तो नहीं मालूम है इससे मालूम आता. अब टैन 60 डिग्रीज क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है रूट थ्री इक्वल्स टू क्यू आर बाई सिक्स, सिक्स इधर ला लो, देयर फोर क्यू आर इक्वल्स टू सिक्स रूट थ्री, क्योंकि सेंटीमीटर्स में दे रहा ना इसलिए सेंटीमीटर से डालो. तो ये हो गया पहला. नेक्स्ट क्या ऑन करना है अपने को पी आर. अब पी आर क्या है अपने पास हाइपोटिनियस है. पी आर क्या है बोलो अपने पास ये हाइपोटिनियस है, तो हाइपोटिनियस के लिए क्या अब ये भी आ गया अपने को सिक्स रूट थ्री, तो कोसा यूज करो हाइपोटिनियस क्या से अपन यहाँ पास साइन यूज कर सकते हैं, कॉस यूज कर सकते हैं, वो सब यूज कर लो क्योंकि ऑपोजिट भी आ गया ना, तो मैं कॉस यूज कर लूँगी क्योंकि एडजेसेंट ना. अब कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या है पी क्यू बाय हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास पी आर. पी आर इम्प्लाइज कॉस एंगल क्या है 60 डिग्री इक्वल्स टू पी क्यू सिक्स है और पी आर मालूम करना है, सीख डालो पी आर. अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, इसके वैल्यूज क्या होंगे बोलिए आप, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास 1/2 equals to 6 by PR, cross multiply कर लो, implies PR into 1, PR equals to 2612, centimeters में दिया ना, इसलिए centimeters कर लो. ऐसे questions आगे जो है, heights and distance में बहुत आते हैं, वहाँ पे practice हुआ थी इंशाल्लाह. तो ये चंद questions थे angles के इंशाल्लाह. Next class में जो है, complement angles 90 plus theta, 90 minus theta के values देखेंगे, उस पे questions करेंगे इंशाल्लाह next part में. अगर आपको ये चैप्टर्स का फ़ायदा हो रहा समझ में आ रहा तो इंशाल्लाह आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए उनका भी फ़ायदा होगा, अपने जो कोलीग्स है जो पहचान के लोग हैं उनको भी बोलिए इंशाल्लाह. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह दूसरे फॉर्मेट्स पे क्वेश्चंस करें.